नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। घने कोहरे के कारण तिनुआ टोल प्लाजा से बाघागाड़ा फोर लेन के बीच बुधवार को एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में भिड़ी, पलटी एक बस, 11 यात्री हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भिजवाया अस्पताल। यात्रियों की स्थिति है सामान्य, एसपी नॉर्थ ने बताया। आपस में टकराई वाहनों को फोर लेन से हटवाकर आवागमन करवा दिया गया है चालू। रोडवेज की बसों से रात में सफर करने पर लगा लगाम। अगले आदेश तक शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों के संचालन पर लगी रोक। एआरएम रोडवेज पी के तिवारी ने कहा, रोडवेज मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से रात्रि बस सेवा पर लगा दी है रोक। अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के सरगना अमन मिश्रा सहित 6 सातिर चोरों को बेलघाट व स्वाट पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेएलएसपी साउथ। अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जवाहर यादव की 126 करोड़ की अवैध संपत्ति को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया जब्त। 450 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जाएगी जब्ती। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं 4 सुपुत्रों के बलिदान को नमन कर सिख समाज ने निकाली नमन यात्रा। कहा, देश व धर्म की रक्षा में नहीं जा सकता भुलाया सिख धर्म के वीरता, साहस और बलिदान गाथा को। मेरी क्रिसमस समारोह कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रस्तुत किया गया प्रेम का संदेश नामक नाटक। कहा, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए प्रेम एवं भाईचारे के साथ। रज्जू भैया विश्वविद्यालय की टॉपर बनी गोरखपुर की बिचिया। समृद्धि स्नातक विज्ञान में सर्वाधिक अंक हासिल करने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों मिला गोल्ड मेडल। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों की शहादत की स्मृति में राष्ट्र वंदन समिति एवं राष्ट्र वंदन युवा परिषद के द्वारा असहाय एवं गरीबों को वितरित किया गया कंबल। और जनपद में तापमान गिरने के साथ बढ़ गई है ठंड और ठिठुरन। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय काफी घना कोहरा होने की है संभावना। अब खबरें विस्तार से। गीडा थाना क्षेत्र के तिनुआ टोल प्लाजा से बाघागाड़ा फोर लेन के बीच बुधवार को एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। एक बस पलट गई, हादसे में 11 यात्री घायल हो गए। इस दौरान सड़क पर घायलों की चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। अन्य यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य को भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की भोर में घने कोहरे के चलते लखनऊ से देवरिया, कुशीनगर और बिहार की तरफ जा रही एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें 11 यात्री घायल हो गए। मौके पर घायलों में चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते लोगों की आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएससी सहजनवा भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया। घायलों में से बिहार के घायल 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाहनों में एक बस भी पलट गई, इसमें सवार यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि आपस में टकराई वाहनों को फोर लेन से हटवाकर आवागमन चालू कर दिया गया है। यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके घर भेज दिया गया है। घायल हुए लोगों का सीएससी से लेकर जिला अस्पताल तक उपचार कराकर उनके स्वजन को जानकारी देते हुए घर भेज दिया गया है। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। वाहनों के आपस में भिड़ने की सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु, गीडा पुलिस सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद एवं एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, उधर से बना के एक नंबर दे रहे हैं, उस पे डाल दो यार।
ठीक है। अरे सब सही है यार, इसमें लिखिए अपनी टीम मदद कर रही है, जो भी मदद हो पा रहा है टीम झिलकू झिलकू मिलेगा, झिलकू मिलेगा, नहीं नहीं वो नहीं कर पाएगा, झिलकू कर देगा यहाँ से, ये टॉर्चर कर देगा, मैं खोल तो देगा ना, लटन कर देगा यहाँ पर टीचर। उससे कहाँ कहाँ ले जाएंगे सर, यहाँ इतनी ट्रैफिक में, इसमें मुझे अभी वहाँ पे भी काम है। आज सुबह 4:30 बजे के लगभग थाना गीडा अंतर्गत बागा गाड़ा फोर लेन पर घने कोहरे की वजह से आपस में कई गाड़ियां टकरा गईं, जिसकी वजह से कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं और आवागमन थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ, लेकिन तत्काल गीडा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया गया। जिनको चोटें आई थी उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी स्थिति नॉर्मल रही और इलाज के बाद उन्हें रिलीज किया गया। बाकी पुलिस द्वारा तत्काल आवागमन जो बाधित हुआ था, तत्काल गाड़ियों को हटवा कर आवागमन शुरू कराया गया और बाकी जो अन्य व्यक्ति थे उनको अन्य गाड़ियों से उनके गंतव्य स्थान पर रवाना किया गया। आज प्रातः बागागाड़ा फोर लेन पर काफी घना कोहरा होने की वजह से 7 बजे के आसपास करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे एक यात्री बस पलट गई और उसमें सवार करीब 11 लोगों को मामूली चोटें आईं, कोई विशेष रूप से गंभीर रूप से जख्मी नहीं है। सभी यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया और जिनको चोट लगी थी उनको प्राथमिक चिकित्सा करवा करके उनके गंतव्य तक भेजा गया। आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, सभी जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी उनको किनारे करवा दिया गया। उत्तर
प्रदेश के रोडवेज की बसों से रात में सफर करने पर लगाम लगा दिया गया है। मंगलवार से रोडवेज की बसें अगले आदेश तक रात में नहीं चलेंगी। यूपी रोडवेज गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश भर में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है तथा इसके साथ ही रात्रि सेवा बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है, जिसके संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया कि ठंड के मौसम में बढ़ते कोहरे को देखते हुए शासन के निर्देश पर रोडवेज मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से रात्रि बस सेवा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जो बसें दोपहर में या शाम 7 बजे से पहले चली होंगी उन्हें भी रास्ते में अंधेरा होने पर और बढ़ते कोहरे को देखते हुए रोक दिया जाएगा, ताकि रोडवेज बसों से होने वाले हादसों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी पर चलने वाले बसों के यात्रियों को सफर से पहले ही इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि रास्ते में कोहरा मिलते ही बस पेट्रोल पंप या प्लाजा पर खड़ी कर दी जाएगी, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए खराब बसों को लेकर सतर्कता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ठंड के कारण बसों को खराब रूट पर नहीं चलाया जाएगा। ऐसे में सड़क पर वही बसें चलेंगी जिनकी फॉग लाइट, शीशे, छत, वाइपर, रेडियम पट्टी, रिफ्लेक्टर टेप, बैकलाइट, हॉर्न, फर्स्ट एड बॉक्स सब कुछ ठीक हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक पी के तिवारी ने कहा, नहीं पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि रोड एज सच कुछ नहीं है। हर रीजन में या हर जगह पर यूपी में जो हम लोग के जो 20 रीजन्स हैं वो अलग अलग वहाँ पर निर्णय लेंगे। ये जरूर है जहाँ कोहरा है कोहरे को देख करके बसों को रोका जाए, और वो ये वहाँ के लोकल मैनेजमेंट यानी ARM को पावर दी गई है कि वो अपना वहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लें। अब जैसे तराई बेल्ट में है, तराई बेल्ट में कोहरा ज़्यादा पड़ता है, तो उसी हिसाब से इस बेल्ट की जो अधिकारी गण है ये अपना निर्णय लें। और यदि लंबे रूट की गाड़ी जा रही है, मान लीजिए यहाँ कोहरा नहीं है इस समय, हमने गाड़ी भेज दी और पहुँचते पहुँचते शाम को जो है लखनऊ में कोहरा हो जाता है, तो लखनऊ के अधिकारी उस बस को रोक करके और जब तक कोहरा नहीं होगा तब तक वहाँ रोक के या फिर ट्रांसफर अगली बस में करके, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में बसें ना चले, बहुत विषम मतलब जो है विशेष परिस्थिति में ही बसों को चलाया जाए। मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग सुरक्षित यात्रा कराएं अपने यात्रियों को। हमारा स्टाफ, हमारे यात्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, और इनको जो है हम लोग सुरक्षित उनका गंतव्य तक पहुँचाने का हमारे परिवहन निगम ने निर्णय लिया। अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के सरगना अमन मिश्रा सहित 6 शातिर चोरों को बेलघाट व स्वाट पुलिस टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिनके पास से चोरी की 11 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बेलघाट व स्वाट पुलिस टीम ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोर गिरोह के अभियुक्तगण में गिरोह के सरगना अमन मिश्रा पुत्र अमर बहादुर मिश्रा निवासी बघेला थाना बेलघाट गोरखपुर, दूसरा अभिषेक शुक्ला पुत्र श्याम नारायण शुक्ला निवासी खड़गपुर थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर, तीसरा पप्पू गुप्ता उर्फ हप्पू पुत्र शंकर गुप्ता निवासी कुरी बाजार थाना बेलघाट गोरखपुर, चौथा दुर्गेश मौर्य पुत्र अशोक मौर्य निवासी कुरी बाजार थाना बेलघाट गोरखपुर, पांचवा कैफ अंसारी पुत्र रहमुद्दीन निवासी बघाड़ थाना बेलघाट गोरखपुर, छठवा हेमचंद प्रजापति पुत्र बेचई निवासी टिघर थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार कर तथा
भिन्न भिन्न स्थानों से चोरी किए गए 11 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। अभियुक्तों ने बताया कि हम चार लोगों का गिरोह है जिसका सरगना अमन मिश्रा उपरोक्त है। हम चारों लोग घूम घूम कर मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं और मौका पाकर उसे बेच देते हैं और जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं और अपना व परिवार का भरण पोषण करते हैं। उक्त वाहनों को हम लोग आज बेचने के लिए जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिए गए। अमन मिश्रा उपरोक्त ने बताया कि साहब हम चारों लोग मिलकर 9 और मोटरसाइकिलें चुराए हैं जिसमें से एक मेरे घर है तथा दुर्गेश मौर्य उपरोक्त ने बताया कि मेरे पास 2 मोटरसाइकिल घर पर है तथा पप्पू गुप्ता उर्फ हप्पू गुप्ता ने बताया कि मेरे पास एक गाड़ी है जिसे मैंने अपने घर में छुपा कर रखा है तथा अभिषेक शुक्ला ने बताया कि साहब मैंने भी 2 मोटरसाइकिल जिसे मैंने अपने घर पर छुपा कर रखा है तथा चारों ने बताया कि शेष 3 अन्य मोटरसाइकिलों में से एक मोटरसाइकिल को बघाड़ के रहने वाले कैफ अंसारी पुत्र रहमुद्दीन अंसारी निवासी ग्राम बघाड़ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को बेचे हैं तथा 2 मोटरसाइकिल को हेमचंद्र प्रजापति पुत्र बिचई प्रजापति निवासी ग्राम तिघरा थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर जो मोटरसाइकिल मैकेनिक है जिन्हें अभियुक्तगढ़ की निशानदेही पर उनके घर व दुकान से बरामद कर पुलिस ने कब्जे में लेते हुए विधिक कार्रवाई कर सभी को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलघाट थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह, स्वाट टीम प्रभारी मनीष यादव, सब इंस्पेक्टर रमेश चंद कुशवाहा, अजीत कुमार यादव, सुधीर कुमार, स्वाट टीम हेड कांस्टेबल अरुण कुमार खरवार, राजमंगल सिंह, कांस्टेबल करुणापति तिवारी, रवि चौधरी, इंद्रेश वर्मा, अखंड प्रताप सिंह, देवानंद चौधरी, जितेंद्र यादव, संग्राम सिंह यादव, राजन वर्मा, अश्वनी पटेल, स्वेब और चंद्रमा यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, आज थाना बेलघाट और क्राइम ब्रांच की पुलिस को सफलता मिली है। गोरखपुर के बेलघाट और उसके आसपास तथा संत कबीर नगर के क्षेत्र में बाइक चोरों को पकड़ने में ये हमारी टीमें इस दिशा में उसी क्षेत्र में रेकी कर रही थी कि 2 बाइकों पर 4 वाहन चोर ये बेलघाट क्षेत्र की तरफ से शंकरपुर से संत कबीर नगर की ओर जाने की फिराक में थे। हमारी टीम ने इन्हें घेर घार के जब पकड़ लिया तो दोनों मोटरसाइकिलें चोरी की निकली
जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि इनके गैंग में 6 सदस्य हैं और इनके पास और भी गाड़ियां चोरी के भी इन्होंने छिपा के रखी हैं। उस पूछताछ में आगे बढ़े तो एक मिस्त्री है, उसके यहाँ से 2 गाड़ियां मिली, एक और इनका साथी उसके घर से गाड़ियां मिली और इनके घरों की जब तलाशी ली गई तो वहाँ भी चोरी की बाइकें प्राप्त हुई हैं। इस तरह से इस संयुक्त टीम को आज 11 चोरी के वाहन बरामद करने में सफलता मिली है और 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये वाहन इन्होंने संत कबीर नगर, सिकरीगंज और बेलघाट के क्षेत्रों से लोगों के चुराए हैं। उनकी तहकीकात करके इनको जोड़ा जा रहा है कि किन मुकदमों में हैं, कौन लोग हैं। 1-2 वाहन ऐसे भी पता चले हैं जिसमें फर्स्ट ओनर ने किसी और को बेच रखा है। सारी तहकीकात विवेचना में स्पष्ट हो जाएगी। ये एक बड़ा संगठित गिरोह है। इनके विरुद्ध इन अभियोगों में जो चोरी के हैं, कार्यवाही के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये संगठित गिरोह है और वाहन चोरी करके ही धनोपार्जन करता है। इसका सरगना अमन मिश्रा है जो बघेला थाना बेलघाट का रहने वाला है और ये सभी साथी इसके वहीं आसपास के बेलघाट, धनकटा, मतलब मैंने जैसा बताया आपने कि उसी इलाके के हैं। अब इनके बताने के हिसाब से तो इन 11 वाहन बरामद हो गए हैं। कुछ वाहन 1-2 और इन्होंने बताया जो पहले के इन्होंने खुर्द बुर्द कर लिए हैं, वो बरामद नहीं हो सकते। ये सिकरीगंज उनका संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर का जो इनका साथी है, वाहनों को आगे बढ़ाने का, खुर्द बुर्द करने का काम वही करता है। ये खाली जैसे गाड़ियां कहाँ खड़ी हैं तो ये देख करके कि आदमी अभी गाड़ी खड़ी करके गया है या बहुत देर से वो गाड़ी खड़ी पड़ी है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, फिर इनके पास अपनी मास्टर की धीरे से गाड़ी वहां से उठा लेते थे। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र राम अवधि यादव निवासी भदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त की थाना खोराबार क्षेत्र में स्थित रानी डीहा स्थित कार्यालय अराजी संख्या 96 जंगल सिकरी स्थित आवास कार्यालय अराजी संख्या 69 मिलजुमला व अराजी संख्या 66 सेक्टर स्थित अराजी संख्या 159 मिलजुमला व अराजी संख्या 160 आवासीय भूमि खोराबार स्थित अराजी संख्या 1096, 686, 687, 688, 689, 690, 691 आवासीय भूमि सिकचौर करमैया स्थित अराजी संख्या 460 आवासीय भूमि खोराबार टोला मदहरावा स्थित अराजी संख्या 538, 541, 542 आवासीय भूमि होंडा सिटी यूपी 32HQ 8989 को तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कैंच योगेंद्र सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक खोराबार की मौजूदगी में जब्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसकी कुल अनुमानित बाजार कीमत लगभग 126.40 करोड़ रुपए है। अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त के विरुद्ध शेष अन्य चल अचल संपत्ति के चिन्हांकन व जब्तीकरण की कार्रवाई अभी भी जारी है, जो लगभग 350 करोड़ रुपए से अधिक की और संपत्ति है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बताया कि जवाहर यादव जो अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाई थी, अब तक 126 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, लगभग 350 करोड़ की और संपत्ति का चिन्हीकरण किया जा चुका है, जिलाधिकारी की स्वीकृति मिल चुकी है, उसे भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, उसकी आवासीय भूमि है और आराजी संख्या 159 उसको भी सीज किया गया है। खोराबार में उसकी करीबन 7 अलग अलग आराजियों के अंदर उसकी संपत्ति है, उसको भी सीज किया है और मदरवा जहाँ पे वो रहता है वहाँ की भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है। अभी तक उसकी एक होंडा सिटी कार है वो सीज की गई है। उसकी रूप से जो मकान में रह रहा है अपने परिवार के साथ, तो उसमें से जो जवाहर यादव का जो भाग है उस भाग का सीजर होना बाकी है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबार द्वारा
जितनी भी जवाहर यादव जो एक माफिया है उसके खिलाफ उसकी जितनी भी गैंगस्टर में प्रॉपर्टी सीज की गई है उसका ब्यौरा देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें अभी तक कुल 126.4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी है और उसका घर जो है वो भी आज सीज होना था लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से हो नहीं पाया है। लेकिन कुल 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति और भी मिली है, उसको भी सीजर के लिए अमल में लाया जाएगा। अभी तक रानीडिया स्थित उसका कार्यालय, जंगल सीकरी में उसका आवास प्लॉट, सेक्टर में भी उनके जितने भी प्लॉट हैं और खोराबार में, खोराबार टोला में उसकी कुछ गाड़ियां जो कि अभी तक सीज की गई है। तो यह अवगत कराना है कि पिछले 4 दिन से जो भी गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही थी वो लगातार कल परसों में भी जारी रहेंगी और जो बाकी एडिशनल सीजर के लिए भी जो प्रॉपर्टीज़ हमें चिन्हित की है वो भी अमल में लाई जाएगी आने वाले दिनों में। थैंक यू। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं 4 सुपुत्रों के बलिदान को नमन कर सिख समाज की नमन यात्रा बुधवार को जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे से निकाली गई। नमन यात्रा का शुभारंभ भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह एवं महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने किया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये जन प्रतिनिधि पूरी यात्रा में साथ चले। नमन यात्रा गुरुद्वारा जटाशंकर से सुमेर सागर, विजय चौक, सिनेमा रोड, गोलघर, टाउन हॉल, शास्त्री चौक, अम्बेडकर चौक, छात्र संघ चौक होते हुए पैडलेगंज पहुंची, जहां गुरुद्वारा पैडलेगंज के अध्यक्ष कुलदीप सिंह नीलू के नेतृत्व में स्थानीय श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। फिर गुरुद्वारे में कीर्तन व अरदास कर माता गुजर कौर एवं 4 साहिबजादों के देश धर्म के लिए किए गए महान बलिदान को नमन किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि देश व धर्म की रक्षा में सिख धर्म के वीरता, साहस और बलिदान गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सिख गुरु साहिबान, 4 साहबजादे और तमाम अन्य सिख शहीदों की वीरता और कुर्बानियों का नतीजा है कि भारतवर्ष आज एक मजबूत और अखंड राष्ट्र बना हुआ है। हमें ऐसे महान बलिदानियों के समक्ष हमेशा नतमस्तक होते रहना है ताकि उनकी शौर्य गाथा युगों युगों तक हम सभी का मार्गदर्शन करती रहे। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, समाज सेविका सुधा मोदी, इंजीनियर सतीश सिंह, धर्मपाल सिंह, राजू हरप्रीत सिंह साहनी, गगन सहगल, चरणप्रीत सिंह मोचू, डॉक्टर दीपक सिंह, हरजीत सिंह, एडवोकेट दलजीत सिंह, अशोक मल्होत्रा, केशव मृगवानी, खैराज दास, पार्षद छठी लाल गुप्ता, अजय गुप्ता, देवी श्रीवास्तव, अरविंद हरे गुप्ता, अजय श्रीवास्तव, सचिन गुप्ता, मनोज आनंद, दुर्गेश त्रिपाठी, रसपाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह उप्पल, राजेंद्र सिंह सैनी, मैनेजर राजेंद्र सिंह, जसपाल सिंह मोहद्दीपुर, गगन सिंह, निरंजन सिंह, सोनू तेजपाल सिंह सोनू, मनजीत सिंह, देवेंद्र लकी सिंह, अति दरपाल सिंह, रघुवंश हिंदू, लकी जसपाल सिंह, अमरजीत सिंह काका, संतोष जायसवाल, त्रिलोचन सिंह, रूपा कौर, मीत साहनी, रणदीप कौर, अर्जुन कोहली, तेजिंदर सिंह अमृतसरी, डॉक्टर मेहता, सीमा गुप्ता, नीलू कौर, मनप्रीत सिंह खालसा, हर्ष सिंह, जसविंदर कौर, मनजीत कौर, बलविंदर कौर, सुरेंद्र कौर, अमित सिंह, वंदना जायसवाल, हेमंत गौर, पार्वती मृगवानी, विक्की सिंह, सत्यम गुप्ता, जसवीर सिंह, कवल चोनी सिंह, तेग सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, जय 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 जय
न्यूज देखना चाहिए। मुझे याद मत करना, पता नहीं मैं लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। अमेरिका के एक महान विद्वान हुए मार्टिन लूथर किंग। दुनिया में विद्वानों में, दुनिया के विद्वानों में 8-10 नाम में अगर देखा जाए तो मार्टिन लूथर किंग का एक नाम आता है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि कोई भी देश इस नाते महान नहीं हो सकता कि उस देश ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी करी है। कोई भी देश इस नाते भी महान नहीं हो सकता कि उस देश ने बड़ी धन संपदा इकट्ठा कर ली। कोई भी देश इस नाते महान नहीं हो सकता कि उस देश ने अपने बचाव में बड़ी बड़ी किलेबंदी कर ली। कोई भी देश महान तब होता है जब उस देश में धर्म और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों का ऐसे लोग पैदा होते हैं, और उन्हीं में से गुरु गोविंद सिंह महाराज का पूरा पूरा परिवार। सच में नीलू जी ने कहा, लंबे समय तक देश की आजादी को अक्षुण रखना है तो हमेशा अपने सीने में केवल सिख समाज का नहीं, इस सनातन परंपरा को और देश की आजादी अगर मिली है इसके न्यून में सिख गुरुओं का आज जो भारत है उन्हीं का बलिदान है। माता गुजर कौर और साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर के इस नमन यात्रा में मुझे आकर के गौरव की अनुभूति हो रही है। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा बलिदान नहीं होगा जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने धर्म के लिए पूरा परिवार बलिदान कर दिया हो। उनके पिता का बलिदान इस देश की सनातन परंपरा को कायम रखने, संस्कृति को कायम रखने के लिए, उनकी माँ का बलिदान, उनके दो पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज युद्ध में लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद होते हैं और दो पुत्रों को जिंदा दीवाल में चुनवा दिया जाता है, उनका स्वयं का बलिदान, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा बलिदान नहीं होगा जिन्होंने देश और धर्म के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए इस प्रकार का बलिदान दिया हो। ये केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश के राष्ट्रभक्तों को चाहिए
कि 22 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक ये अपने गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद रखें, उनके प्रति श्रद्धा और उनको नमन करते हुए याद करें, अपने सीने में हमेशा रखें। कोई भी देश लंबे समय तक अपनी आज़ादी को अक्षुण तभी रख पाएगा जब अपने गौरवशाली इतिहास को, अपने पूर्वजों को, उनके बलिदानी गाथा को याद रखे। आज के अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के संपूर्ण परिवार, माता गुजरी और उन साहबजादों के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। घने कोहरे के कारण तिनुआ टोल प्लाजा से बाघागाड़ा फोरलेन के बीच बुधवार को एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में भिड़ी, पलटी एक बस, 11 यात्री हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भिजवाया अस्पताल। यात्रियों की स्थिति है सामान्य, एसपी नॉर्थ ने बताया। आपस में टकराई वाहनों को फोरलेन से हटवाकर आवागमन करवा दिया गया है चालू। रोडवेज की बसों से रात में सफर करने पर लगा लगाम, अगले आदेश तक शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों के संचालन पर लगी रोक। एआरएम रोडवेज पी के तिवारी ने कहा, रोडवेज मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से रात्रि बस सेवा पर लगा दी है रोक। अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के सरगना अमन मिश्रा सहित 6 सातिर चोरों को बेलघाट व स्वाट पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेएलएसपी साउथ। अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जवाहर यादव की 126 करोड़ की अवैध संपत्ति को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया जब्त। 450 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जाएगी जब्ती। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं 4 सुपुत्रों के बलिदान को नमन कर सिख समाज ने निकाली नमन यात्रा। कहा, देश व धर्म की रक्षा में नहीं जा सकता भुलाया सिख धर्म के वीरता, साहस और बलिदान गाथा को। मेरी क्रिसमस समारोह कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रस्तुत किया गया प्रेम का संदेश नामक नाटक। कहा, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए प्रेम एवं भाईचारे के साथ। रज्जू भैया विश्वविद्यालय की टॉपर बनी गोरखपुर की बिचिया, समृद्धि स्नातक विज्ञान में सर्वाधिक अंक हासिल करने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों मिला गोल्ड मेडल। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों की शहादत की स्मृति में राष्ट्र वंदन समिति एवं राष्ट्र वंदन युवा परिषद के द्वारा असहाय एवं गरीबों को वितरित किया गया कंबल। और जनपद में तापमान गिरने के साथ बढ़ गई है ठंड और ठिठुरन। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय काफी घना कोहरा होने की है संभावना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंटर ड्यूज कॉलेज में बुधवार को मैरी क्रिसमस समारोह कार्यक्रम का आयोजन जुबली हॉल में किया गया। सेंटर ड्यूज कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आरएन सैमुअल ने बताया कि जिस नाटक प्रेम का संदेश प्रस्तुत किया गया वह लोगों में बढ़ रहे क्रोध और आवेश को कम कर सकता है। आज जहां लोग क्रोध और आवेश में आपसी प्रेम और सौहार्द को समाप्त कर ले रहे हैं, ऐसे समय में प्रेम का संदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा, हमरो तक कई देत उद्धार हे ईशु राजा। प्रभु ईशु का जन्म इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इसी घटना ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया, ईशा पूर्व एवं ईशा के बाद। हमारी तारीख प्रभु ईशु के जन्म को प्रमाणित करती है। प्रभु ईशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को प्रेम एवं भाईचारे के साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मेरी क्रिसमस में छात्रों द्वारा 8 सामूहिक गीत प्रस्तुत किए गए। प्रतिभाग में करीब 75 बच्चों ने भाग लिया और पूरे हॉल में
करीब 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस अवसर पर नियंता मंडल के सदस्य डॉक्टर सी पी गुप्ता, डॉक्टर सुशील कुमार राय, डॉक्टर जेवियर मारिया राज, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम, डॉक्टर जिलाजीत चौधरी, डॉक्टर विकास सरकार तथा कॉलेज के सभी शिक्षक कर्मचारी एवं अधिक संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद रहे। इस वाटिका के पेड़ के फल हम खा सकते हैं, केवल वाटिका के बीच का जो पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते, नहीं तो हम मर जाएंगे। तुम निश्चय न मरोगे वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि उस तथा बुद्धि देने के योग्य है, तो उसने उस फल को तोड़कर खा लिया और उसने वह फल अपने पति को भी खिलाया। सब उन दोनों की आंखें खुल गई और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण ईश्वर के स्वरूप को उन्होंने खो दिया और वह परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये क्यों करूंगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। गोरखपुर की बिटिया समृद्धि सिंह ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज की टॉपर बन जिले का मान बढ़ाया है। स्नातक विज्ञान बीएससी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए समृद्धि को मंगलवार को आयोजित रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक से नवाजा गया। गोरखपुर जिले के ग्राम मछिया कुसमही निवासी राम समूझ सिंह व श्रीमती सिंधु सिंह की सुपुत्री समृद्धि रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध जगन्नाथ प्रसाद स्मारक महाविद्यालय धुरपुर प्रयागराज में अध्ययनरत थी। बीएससी में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर वह विश्वविद्यालय की टॉपर बनी है। इसके लिए उन्हें 20 दिसंबर को आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के हाथों विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस अवसर पर इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन और प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने भी समृद्धि को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के मार्गदर्शन को दिया। राष्ट्रवंदन समिति के तत्वावधान में एवं राष्ट्रवंदन युवा परिषद के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादे की शहादत की स्मृति में बुधवार को पैडलेगंज चौराहे पर असहाय एवं गरीबों को कंबल वितरण किया गया, जिसके संबंध में संस्था के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि सिख समाज सदैव हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहा है और बलिदान की एक लंबी परंपरा है। अगर पूरे स्वतंत्र आंदोलन को देखा जाए तो उसमें जितने अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों
कर्मियों को फांसी की सजा हुई उनमें से बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज के नौजवान थे। ऐसी माँ के बेटे जिन्होंने शेर पैदा किए थे और यह त्याग और बलिदान की भावना गुरुओं की परंपरा से ही आई है, जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादे और उन अमर शहीदों पुत्रों की माता का बलिदान अमर है। आज राष्ट्र वंदन समिति उन्हीं की स्मृति में यह कार्यक्रम कर रही है। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह, राष्ट्रमंडल समिति के प्रदेश कोषाध्यक्ष राजू लुहारका, प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, मातृशक्ति प्रदेश संयोजिका रूप रानी, प्रदेश संयोजिका प्रीति श्रीवास्तव, उपासना सिंह, मनोरमा, रणदीप कौर, दिलजीत कौर, जगदीप सिंह, मनोज कौर, संजय मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद में तापमान गिरने के साथ ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है और कोहरे की चादर अब दिखने लगी है। वहीं शाम के बाद ठंड का आलम देखने को मिल रहा है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय काफी घना कोहरा हो सकता है और आगे जारी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में गाड़ी चलाते वक्त सबसे ज्यादा खतरा कोहरे से रहता है। कोहरे के चलते सड़क पर साफ दिखाई नहीं देता है, ऐसे में सावधानी और सतर्कता के साथ ड्राइव करने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गाड़ी चलाते समय लाइट का प्रयोग करें, रोड पर चलते समय गाड़ी को स्पीड में ना चलाएं तथा अगर कार से चलते हैं तो कार के शीशे को बार बार साफ करते रहें तथा गाड़ी के आगे और पीछे रेडियम टेप जरूर लगाएं ताकि कोई दुर्घटना होने से बच सके। न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। घने कोहरे के कारण तिनवा टोल प्लाजा से बाघागाड़ा फोर लेन के बीच बुधवार को एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में भिड़ी, पलटी एक बस, 11 यात्री हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भिजवाया अस्पताल। यात्रियों की स्थिति है सामान्य, एसपी नॉर्थ ने बताया। आपस में टकराई वाहनों को फोर लेन से हटवाकर आवागमन करवा दिया गया है चालू। रोडवेज की बसों से रात में सफर करने पर लगा लगाम, अगले आदेश तक शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों के संचालन पर लगी रोक। एआरएम रोडवेज पी के तिवारी ने कहा, रोडवेज मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से रात्रि बस सेवा पर लगा दी है रोक। अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के सरगना अमन मिश्रा सहित 6 सातिर चोरों को बेलघाट व स्वाट पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। चोरी की 11 मोटरसाइकिल को किया बरामद, भेजा जेएलएसपी साउथ। अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा।
गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जवाहर यादव की 126 करोड़ की अवैध संपत्ति को खोराबाड़ थाने की पुलिस ने किया जब्त। 450 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जाएगी जब्ती। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं 4 सुपुत्रों के बलिदान को नमन कर सिख समाज ने निकाली नमन यात्रा। कहा, देश व धर्म की रक्षा में नहीं जा सकता भुलाया सिख धर्म के वीरता साहस और बलिदान गाथा को। मेरी क्रिसमस समारोह कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रस्तुत किया गया प्रेम का संदेश नामक नाटक। कहा, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना चाहिए प्रेम एवं भाईचारे के साथ। रज्जू भैया विश्वविद्यालय की टॉपर बनी गोरखपुर की बिचिया समृद्धि स्नातक विज्ञान में सर्वाधिक अंक हासिल करने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों मिला गोल्ड मेडल। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों की शहादत की स्मृति में राष्ट्र वंदन समिति एवं राष्ट्र वंदन युवा परिषद के द्वारा असहाय एवं गरीबों को वितरित किया गया कंबल। और जनपद में तापमान गिरने के साथ बढ़ गई है ठंड और ठिठुरन। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय काफी घना कोहरा होने की है संभावना। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।